हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पिछले साल के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, तो उसके लिए मैं एक ये टैक्समैन का क्रैकर्स, एक वो है स्कैनर है, वो लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है टैक्समैन का क्रैकर। ठीक है, टैक्समैन का है ये। ठीक है, आप जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ पूरा। ठीक है, ये देखिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन, और इसके की हाइलाइट्स क्या है, टॉपिक वाइज कवरेज ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन देता है ये। ठीक है, जून 2022 ही लेटेस्ट है। टॉपिक वाइज होता है इसका अरेंजमेंट, सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज मार्क्स सब कुछ इसमें देते हैं, और ट्रेंड एनालाइज्ड जो पास क्वेश्चन में आए हुए हैं, जितने नाम की उसकी क्या कहते हैं वेटेज होती है क्वेश्चन की, टॉपिक की, वो सब इसमें मेंशन किया है। इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन भी दिए होते हैं इसमें, और ये आपका है जून दिसंबर 2022 और 23 के लिए। यानी कि अभी जो लेटेस्ट 22 आने वाला है उसका, उसके लिए भी है, और जून 23 के लिए भी आपका यही वाला रहेगा। और इसमें हम अंदर देखते हैं, ये क्रैकर्स टैक्समैन का है। ठीक है, आप देखना, वहाँ पर आप जाओगे, मैं आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए, इसमें यह है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें दिसंबर, जून 2019 में, जून दिसंबर में ये चैप्टर है, ये जो हैं आपके चैप्टर्स हैं, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपको साफ साफ मेंशन हो रखा है कि जून में 13 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आया था, और दिसंबर में 5 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आया था। 2020 में दिसंबर में 5 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आया था, और इसमें बस उसका आया था, जून में नहीं आया था। फिर 21 में, जून में और दिसंबर में दोनों में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर जून 22 में आया था 5 नंबर का। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं सारे चैप्टरों के चैप्टर वाइज, ठीक है, ईयर और चैप्टर वाइज 19 से लेकर 22 तक के आपको सब मिल जाएंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का कितनी वेटेज आपको मिली हुई है। ठीक है, ये देखिए सारा दे रखा है। ठीक है, ये देखिए सारे चैप्टर इसमें कवर करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेपर आया है, यानी कि जून 2019 में क्वेश्चन नंबर पूरा डाला हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा पार्ट है, कंपलसरी क्वेश्चन है या आप स्केपेबल क्वेश्चन है, ये भी मेंशन किया हुआ है। चैप्टर नेम लिखे हुए हैं, और मार्क्स कितने मार्क्स का आया है, या थ्योरी में आया है या प्रैक्टिकल आया है। ठीक है, ये भी सारा आपको इसमें स्कैनर में दिया हुआ है, टैक्समैन का क्रैकर है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सारा दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ और है, इसमें पुराने साल के आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ये देखिए, सॉल्व पेपर दिसंबर 2020 का मिल जाएगा, ठीक है, जून 21 का, दिसंबर 21 का और जून 22 का आपको पेपर भी मिल जाएगा, सॉल्व पेपर है। इसके अंदर देखते हैं, देखिए इस टॉपिक्स में, चैप्टर वन में ये टॉपिक पे जितने क्वेश्चन कवर होते हैं सब लिखे हुए हैं, और उनकी कौन से ईयर में वो आए हुए हैं वो सब, और आंसर देखिए कितने नीटली और कितने साफ सुथरे हैं, और केस भी आपको मेंशन है, ये मैं आपको करवाऊँगी, आप देख सकते हैं केस भी जो है इम्पोर्टेंट वो हाईलाइट किए हुए हैं। ये देखिए केस, ये देखिए सब एकदम क्लियर है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये केस इम्पॉर्टेंट सिनर्जी हमने किया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए सारा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। बाकी और भी है, ये आपकी कॉस्ट का है, और इसमें ये देखो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लास्ट में दिए हुए हैं, ये सॉल्व पेपर दिसंबर 20 का है ये। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल भी आते हैं, पूरा पेपर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए सॉल्व पेपर दिसंबर 2020 न्यू सिलेबस से आया हुआ है। ठीक है ना, और आपको ये सारा दिया हुआ है, और इसका आप रेट देख सकते हैं 475 है, पर ये 330 का मिला है मुझे, मैं बताती हूँ आपको कहाँ से मिला है ये है, और ये इस बार इन्होंने कवर पेज निकाला है, ये हर बार चेंज कर देते हैं पेज, ये है लेटेस्ट बिल्कुल टैक्समैन का क्रैकर्स है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, और ये है, ये आपके दिसंबर 22 और जून 23 दोनों में अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें आप, मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आप अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। इस पर 475 MRP पड़ी हुई है, ठीक है। आपको ITO पे जो CA का ऑफिस है, CA की जो बिल्डिंग है, जो मेन ऑफिस है CA का, हेडक्वार्टर जो है, उसके आगे जाके IT ऑफिस के ठीक सामने दो शॉप्स हैं। ITO इनकम टैक्स ऑफिस के ठीक सामने दो हैं, पूजा लॉ हाउस है और एक दूसरी है सॉरी, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूजा लॉ हाउस से लेके आई हूँ, ठीक है, आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। ये आपको 330 रुपये का वहाँ से मिलेगा, इस पर MRP है 475, तो डिस्काउंट करके आपको ये 330 रुपये का क्रैकर्स का मिल जाएगा। वहाँ पर 250 का भी है एक स्कैनर, जो आगे आप शॉप में जाके देखेंगे, आप उससे स्कैनर सिंपल मांगेंगे तो वो 250 में भी आपको एक स्कैनर दिखाएगा। वैसे तो वो भी ठीक है, पर उसकी पेज और ये सारा डिस्क्रिप्शन शायद उसमें नहीं होगा, जैसे इसमें दे रखा है ना कि कौन से चैप्टर पे, कौन से ईयर में, कितने मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आया हुआ है, वो सब है। तो उसको आपको जैसे पेपर से पहले एक क्राइटेरिया माइंडसेट हो जाता है कि भैया ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें से आना ही आना है। 19 से लेकर 22 तक के आपको सारे मेंशन किए हुए हैं, तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है पेपर के टाइम पर, ठीक है। तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है ये सब चीज़ें, और इसमें आंसर बहुत वेल प्लान्ड होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए होते हैं। यदि आप इसी से आंसर भी कर लेंगे तो कोई डाउटफुल मामला नहीं है, अपनी नॉलेज से और थोड़ा इसका आंसर देख के आपको एक वे मिल जाएगा कि आंसर किस हिसाब से लिखना। और पेपर में जब आप इससे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था पेपर में क्या होता है, जब आप जिस चीज़ से पढ़ते हो, जिस तरीके से, जिस लहजे से आप पढ़ते हो, उसी लहजे से पेपर में आपके हाथ चलते हैं। तो यदि आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपने अच्छी बुक से पढ़ा हुआ होगा, तो आपके वही माइंड सेट में सेट हो जाएगी बातें और वही सब आप पेपर में लिख के आएंगे। तो ये पेपर, ये टैक्समैन का, ये उससे भी मतलब उस तरीके से भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो आंसर लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप इससे पढ़ेंगे तो आपको वैसी आदत पड़ेगी और वैसे ही आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिव्यू था, मुझे देना था, मैं ये परसों लाई थी, दे नहीं पाई थी। अब आप इसको देखना, परचेज़ करना हो तो 330 का आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।